दोस्तों हम लोग लिस्बन कल शाम को पहुँचे और अभी तक का एक्सपीरियंस जो है, अभी सवेरे के करीब 11 बज रहे हैं, अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, वेलकमिंग है। इंग्लिश लोगों को काफ़ी पता है, नॉर्मल पॉपुलेशन को। दोस्तों हम वो फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो पहाड़ के ऊपर है और जो हमने जो उसमें जो रिसर्च की है वो ये है कि वो ऊपर से जो है काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, तो हम जा रहे हैं व्यूज़ इंजॉय करने के लिए। और आज अच्छा सनी वेदर है, तो होपफुली जो है व्यूज़ हमें अच्छे मिलेंगे। हेलो दोस्तों, पुर्तगाल लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है, पर यहाँ प्राइसेस काफ़ी वेरी करते हैं, तो शॉपिंग ज़रा संभाल के करें, और हैगलिंग भी यहाँ काफ़ी चलती है। दोस्तों लिस्बन के बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर इज़ सिमिलर टू गोवा विच एट वन टाइम वॉज अ पोर्टुगीज कॉलोनी, पर यहाँ की बिल्डिंग्स आर नॉट एज ग्रैंड एज दोज इन फ्रांस, इटली या यूके, विच एट वन टाइम वर वेरी पावरफुल कंट्रीज एंड कॉलोनाइजर्स। दोस्तों जब भी हम कोई यूरोपियन कंट्री विज़िट करते हैं, हम प्रिफर करते हैं कि जहाँ तक हो सके पैदल चलें, क्योंकि मोस्ट यूरोपियन सिटीज़ आर वेरी पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली, और जो लोकल फ्लेवर्स, लोकल कल्चर, लोकल नेबरहुड्स का जो साइट सीइंग जो है, वो पैदल चल के ही ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि अभी हालांकि दिसंबर का महीना है, पर वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट। नॉर्थ यूरोप में अभी काफ़ी ठंड है, इसलिए कई यूरोपियंस प्रिफर टू स्पेंड द क्रिसमस एंड न्यू ईयर वेकेशन इन सदर्न यूरोप, इन कंट्रीज सच एज पोर्टुगल एंड स्पेन, जहां वेदर विंटर्स में काफ़ी अच्छा, प्लेजेंट और वार्म होता है। दोस्तों अब हम फोर्ट के बिल्कुल बाहर पहुंच गए हैं। अपेरेंटली फोर्ट के अंदर काफ़ी पीकॉक्स हैं, हमने यूरोप में पीकॉक्स कहीं नहीं देखे हैं, सो वी आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देम। तो दोस्तों मैं अब बिल्कुल, हम लोग अभी फोर्ट के बाहर हैं, तो अब अंदर गए हैं टिकट खरीदने के लिए, और टिकट खरीद के फिर हम जा रहे हैं अंदर। तो बहुत ज़्यादा लंबी वॉक नहीं थी, अराउंड 20 मिनट्स, थोड़ी चढ़ाई थी, पर काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स, काफ़ी कलरफुल है और काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। दिस इज द रिवर एंड दैट ओवर देयर इज द ओशन, अटलांटिक ओशन। सॉरी दोस्तों, ये लेफ्ट में ये सारा ये रिवर है, और ये रिवर जाती है वहाँ सामने, अटलांटिक ओशन। दोस्तों लिस्बन शहर माउथ ऑफ द रिवर टागस लोकेटेड है, यानी कि जहाँ रिवर अटलांटिक ओशन से मिलती है। सामने वहाँ एयरपोर्ट है, तो प्लेन लैंड कर रही है। दोस्तों ये प्राचीन किले कहीं के भी देख लो वर्ल्ड में, सिमिलर ही होते हैं। और उस समय तो इंटरनेट वगैरह था नहीं कि लोग एक दूसरे का कॉपी कर सकें इजीली, मतलब दूर बैठे बैठे भी जो है टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी वाइड स्प्रेड थी, सिमिलर। दोस्तों हिस्टोरिकली दिस फोर्ट हैज़ बीन स्ट्रेटजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ कई बैटल्स एंड सीजेस हुए हैं, और पोर्टुगीज़ रॉयल फैमिली एंड एरिस्टोक्रेसी की हिस्ट्री भी इस फोर्ट से काफ़ी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों अब जो विंटर वेकेशन यहाँ शुरू हो गए हैं यूरोप में, और साउथ ऑफ यूरोप, पोर्चुगल, स्पेन, यहाँ पर कंपैरेटिवली वार्मर होता है। जैसे अभी यहाँ पर 18-19 डिग्रीज़ है, काफ़ी अच्छा सनी है, इसलिए जो नॉर्थ यूरोप से जो लोग हैं, जैसे कि डेनमार्क, नॉर्वे, यूके, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, तो उन सब एरिया से, नेदरलैंड्स, वहाँ से लोग जो है अब जो है साउथ में आना पसंद करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। तो इसलिए जो यहाँ पर अभी कल एयरपोर्ट में, प्लेन में सारा कुछ बिल्कुल पैक था, टोटली पैक्ड। ओ, ये इसको इम्प्रेस कर रहा है।